ओके तो भाई ब्रे वाइट इस बार का समर स्लैम के अंदर आने वाले या फिर नहीं आने वाले इसके बारे में आपको 100% कंफर्म रिपोर्ट आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाने वाला है। साथ ही साथ रोंडा रॉजी के बारे में फिर से कंफर्म रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है कि रोंडा रॉजी फिर से शायद से यूएफसी के अंदर जा सकती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपडेट है आज की इस वीडियो के अंदर, तो भाई चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेसन वॉलर के बारे में। भाई मैं आपको पहले बताता हूँ ये चीज होने नहीं वाला पर रिपोर्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ। रिसेंट टाइम में ग्रेसन वॉलर जो है रॉक को इन्वाइट किए अपने ग्रेसन वॉलर शो के ऊपर। हाँ इनका झगड़ा भी होता है ट्विटर के ऊपर। ग्रेसन वॉलर बता रहे थे कि मेरा डेब्यू अभी तक का सबसे बेस्ट है, मतलब मेडिसन स्क्वायर गार्डन के अंदर एक्चुअली रॉक का। तो मेरे ख्याल से ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के अंदर रॉक तो नहीं आने वाला, पर हाँ आप लोग इस बात को बिलीव करो कि इस बार का समर स्लैम के अंदर एक बहुत बड़ा गेस्ट आने वाला है। मे बी समर स्लैम के अंदर आपको स्टोन गोल्ड देखने को मिले या फिर कोई और रेसलर देखने को मिले, पर एक बहुत बड़ा रेसलर आने वाला है। तो आप लोग बस इस बार का समर स्लैम तक वेट कर लो, पर जहां बात आता रॉक का भाई मुझे नहीं लगता रॉक आने वाला ग्रेसन वॉलर शो के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं एले नाइट के बारे में। एले नाइट के बारे में मुझे आपको बहुत सारे रिपोर्ट बताना, सारे रिपोर्ट एक्चुअली मजेदार भी। करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यू वाले एक्चुअली बहुत कंफ्यूज करे एले नाइट के करेक्टर को लेकर। आपको जैसा कि पता होगा करेंट टाइम एले नाइट जो अभी करेंट टाइम है कि हील करेक्टर प्ले कर रहे हैं, पर उसके बावजूद भी बेबी फेस का उनको रिएक्शन मिल रहा है। जैसे अगर डब्ल्यू वाले इनको अगर बेबी फेस अगर टर्न कर देगी तो इनको फिर बू मिलना शुरू हो जाएगा। तो करेंट टाइम में जो एले नाइट का जो करेक्टर चल रहा है करेंट टाइम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पर चल रहा है। मेरे ख्याल से भी एले नाइट को एज ए बेबी फेस नहीं बनाना चाहिए, एज ए हील ही एले नाइट काफी अच्छा काम कर रहा है। वैसे भाई इनका पुराना फोटोज ढूंढने का भी सिलसिला कम नहीं हुआ। भाई रिसेंट टाइम में बहुत सारे और भी फोटोज निकल कर सामने आए। सबसे पहले आप देख सकते हैं इनका एक फोटो निकल कर सामने आया कट एंगल के साथ। मेरे ख्याल से फोटो 10 साल डेफिनेटली पुराना। इसके बाद जो नेक्स्ट फोटो निकल कर सामने है मेरे ख्याल से किसी रेसलिंग कंपनी का यहाँ पर रिंग के अंदर का एक फोटो। इसके अलावा मैंने आपको कल के दिन बताया था एक एडवर्टाइजमेंट के अंदर भी एले नाइट का फोटो निकल कर सामने आया। साथ ही साथ एज ए बॉडीगार्ड सासा बैंक का ही सिर्फ नहीं काम किया, एज ए बॉडीगार्ड यहाँ पर सीएम पंक का भी काम। भाई आप लोग देख सकते हो डब्ल्यू फैंस कहां से इनका वीडियो फोटो निकाल कर सामने ला रहे हैं। सिलसिला अभी भी नहीं खत्म हुआ, एक और फोटो निकल कर सामने जिसके अंदर आई थिंक जिम के अंदर ट्रेनिंग वगैरह करवा रहा उसी का फोटो। इसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारे फोटोज और वीडियोज देखेंगे जिसके अंदर ये 2011 के समर स्लैम के अंदर एले नाइट देखने को मिले थे एज ए ऑडियंस यहाँ। वैसे मेरे पास कुछ और भी वीडियो है आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं सेथ रॉलिंस और बैकी लिंच का यहाँ पर वीडियो। रिसेंट टाइम में ये दोनों किसी इवेंट के अंदर गए थे आई थिंक उसके अंदर का ये वीडियो। और भाई ये बात मानना पड़ेगा सेथ रॉलिंस हमेशा करेक्टर के अंदर रहते हैं, इसके कारण कई बार वो गिर भी जाते हैं। वैसे स्टोन गोल्ड का भी मुझे एक वीडियो मिला जिसके अंदर आप देख सकते हैं वार के अंदर ही अपना एंट्रेंस कर रहे हैं अपना वीयर वाला कर। वैसे मुझे एक बात भी करना आपसे बहुत स्पेशल, आप लोग सारे लोग इसे ध्यान से सुनिए। मैं सोच रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँ जिसके अंदर डब्ल्यू के जितने भी फनी इवेंट हुआ अभी तक का सारे फनी इवेंट के ऊपर मैं रिएक्ट करूं। भाई मेरे ख्याल से इस टॉपिक के ऊपर कोई भी अभी तक वीडियो नहीं बना, अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, जितने भी आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर फनी क्लिप आपको देखने को मिले डब्ल्यू कंपनी का आप लोग सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भेज सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, मैं आप लोग सारे लोग को वीडियो के अंदर फीचर भी करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं केएसआई के बारे में। इनके बारे में बहुत बड़ा गुड न्यूज निकल कर सामने है, अगर आप लोग इनके बहुत बड़े फैन हो तो आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। तो रिसेंट टाइम में रिपोर्ट निकल कर सामने है उसके अकॉर्डिंग आपको शायद केएसआई डब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं मैच रेसल करते हुए। देखो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी करेंट टाइम में कोई भी कॉन्टेक्ट डब्ल्यू कंपनी और केएसआई के साथ कोई भी कॉन्टेक्ट वगैरह साइन नहीं है। भाई केएसआई पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस है, ऑडियंस के बीच में बहुत ज्यादा ओवर है। साथ ही साथ केएसआई के प्रोफेशनल एमएमए बॉक्सर भी है, तो उनको रेसलिंग करना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो डब्ल्यू वालों को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। तो डब्ल्यू वाले केएसआई को भी शायद से अपने कंपनी के अंदर साइन कर सकते हैं बहुत ही। अगर आप लोग को नहीं पता तो केएसआई लोगन पॉल के बीच में ऑलरेडी 2020 के अंदर एक बॉक्सिंग मैच हो भी चुका है। तो डब्ल्यू वालों को अगर मोटा पैसा छापना तो डब्ल्यू वाले केएसआई को डब्ल्यू के अंदर बुलाकर एक रेसलिंग मैच भी इन दोनों के बीच में हमें करवाते हुए दिख सकते हैं। भाई केएसआई लोगन पॉल पूरे करंट टाइम में पूरे वर्ल्ड के सबसे टॉप के यूट्यूबर में इनका नाम आता है। आप लोग समझ सकते हो कितना मनी माइंडेड मैच हो सकता है डब्ल्यू वालों के लिए। तो शायद से केएसआई आपको डब्ल्यू के अंदर देखने को मिल सकते हैं बहुत। वैसे आपका इन दोनों के बीच में मैच देखने के लिए एक्साइटेड हो सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस बात। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। सेथ रॉलिंस के मैच किसके साथ होने वाला इस बार का समर स्लैम के अंदर, ये चीज 100% लॉक हो चुका है। वो अपोनेंट हमारे कोई और नहीं फिन बैलर है। फिन बैलर वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच आपको अगेन देखने को मिलने वाला इस बार का समर स्लैम के अंदर। देखो इस मैच से मुझे कोई शिकायत नहीं, पर मुझे ऐसा फील होता है कि सेथ रॉलिंस अभी जस्ट चैंपियन बने, भाई डब्ल्यू वालों के पास अभी इनके लिए अपोनेंट भी नहीं। सेम ही अपोनेंट को आप लगातार दो प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर आप फेस करवा रहे हैं। वैसे इनके बीच में जब मैच होने वाला उसके अंदर कौन से कैरेक्टर के साथ फिन बैलर आने वाली ये बात अभी तक रिवील नहीं हुआ है। साथ ही साथ इस मैच के अंदर कोई भी स्टिपुलेशन भी होने वाला है ये बात भी अभी तक रिवील नहीं हुआ, आपको टाइम के साथ पता चल जाए। अभी फिलहाल आप लोग ये बात 100% मान लो कि इनका मैच लॉक हो चुका है इस बार का समर स्लैम के अंदर। मुझे जो लगता है इस मैच के अंदर 100% डेवन प्रीस्ट आकर मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले सेथ रॉलिंस के ऊपर। अभी मनी इन द बैंक कैश इन सक्सेसफुल होता है या फिर फेल ये नहीं पता, पर हाँ मनी इन द बैंक कैश इन करने वाले हैं शायद। वैसे आप लोग क्या फिर से ही मैच को अगेन देखने के लिए एक्साइटेड हो समर स्लैम के लिए, सारे लोग कमेंट में बता सकते हो। भाई मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लू केन के बारे में, जिनको आई थिंक आप लोग सारे लोग पहचानते होंगे, रिसेंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। भाई इनके बारे में थोड़ा सा सैड न्यूज निकल कर सामने है, एक्चुअली इनका ट्विटर अकाउंट ही उड़ा दिया गया। आप लोग देख सकते हैं इनका जो ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है, मेरे ख्याल से ट्विटर की तरफ से इनको ब्लॉक कर दिया गया। मुझे नहीं पता कौन सा हरकत के वजह से इनको ब्लॉक कर दिया गया, पर हाँ करेंट रिपोर्ट यही है कि इनका ट्विटर अकाउंट बैंड हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिन्हा के बारे में, जिन्होंने प्रो रेसलिंग के बारे में कमेंट किया रिसेंट टाइम। और उनके अकॉर्डिंग पहले के टाइम पर जो प्रो रेसलिंग हुआ करता था उससे ज्यादा बेटर करेंट टाइम में रेसलिंग है। और इसके पीछे इन्होंने बहुत सारे सेवरल रीजन भी बताया। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि आपके जो रेसलर है इनके मुकाबले पहले के रेसलर को बहुत ज्यादा कम पैसा
पैसा मिला करता था। फॉर एग्जाम्पल जॉन स्नो को सिर्फ $1,000 पर मंथ मिलता था जब जॉन स्नो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को ज्वाइन किया, तो उसके मुकाबले आज के करंट टाइम में एनएक्सटी रेसलर को भी $5-6 लाख पर मंथ मिलता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आज के करंट टाइम में रेसलर है पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर सकते, पूरे वर्ल्ड वाइड रेसलिंग कर सकते, पर पहले के टाइम पर ऐसा नहीं भाई। रिसेंट 5 साल में ऐसा हुआ कि डब्ल्यू वाले बहुत सारे फॉरेन कंट्री के अंदर भी अपना शो करवा रहे, इससे पहले डब्ल्यू वाले अपने कंट्री के अंदर ही सारा शो करवा। साथ ही साथ हमें आज के टाइम पर उतना हार्ड कोर रेसलिंग देखने को भी नहीं मिलता, जिसके कारण रेसलर को बहुत कम इंजरी भी होता है। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि हमें पहले के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी अच्छा स्टोरी लाइन देखने को मिलता था, करेंट टाइम में उतना स्टोरी लाइन नहीं देखने को मिलता। साथ ही साथ पहले के टाइम पे डब्ल्यू वाले सारे रेसलरों को पुश करती थी, पर करेंट टाइम में डब्ल्यू वाले सिर्फ एक पार्टिकुलर रेसलर को ही पुश करती। आप लोग बस 2004-05 का याद कर लो, उसमें डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कितने सारे बड़े बड़े रेसलर थे। शॉन माइकल हो गए, हल्क होगन हो गए, रिक फ्लेयर हो गए, अंडरटेकर हो गए, केन हो गए, जॉन सिना हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए। उसके अलावा और भी मैं 10 रेसलर का नाम बता सकता हूं जो कि उस टाइम के सबसे टॉप के रेसलर हुआ। वैसे आपके अकॉर्डिंग पहले का डब्ल्यूडब्ल्यू ज्यादा बेस्ट था या फिर अभी का, सारे लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट लोग बात करते हैं मैंडी रोज के बारे में, जिन्होंने रेसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे सवालों का जवाब दिए अपने इंस्टाग्राम को। सबसे पहले उनके फैंस ने उनसे ये पूछा कि क्या आप रेसलिंग के अंदर वापस आना चाहते हो या फिर नहीं आना चाहते, और इसके ऊपर उनका रिप्लाई था कि अभी जो मैं अपने लाइफ के अंदर कर रहा हूँ बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अभी मुझे लाइफ के अंदर यही सेम काम करना है, पर कोई काम परमानेंट नहीं होता तो आगे लाइफ के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं, पर अभी रेसलिंग के अंदर उनको वापस नहीं आना। आप लोग समझ सकते हो मैंडी रोज यही बोलना चाहती थी कि अभी करेंट टाइम उनको रेसलिंग के अंदर वापस नहीं आना, पर हाँ कभी वो वापस आ सकते हैं। अभी फिलहाल रेसलिंग से रिटायर नहीं होने वाले मैंडी रोज, आप लोग सारे लोग समझ सकते हो इनका साइड बिजनेस अभी करेंट टाइम में काफी अच्छा चल रहा है। आज के 2-3 साल पहले अगर आपको याद होगा तो ओटिस के साथ लव एंगल वाला यहाँ पर स्टोरियन चला था डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर मैंडी रोज का, तो इसके ऊपर मैंडी रोज ने रिएक्ट करते हुए ये बोला कि ये स्टोरियन काफी अच्छा था, पर डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को एक स्पेशल एंडिंग देना चाहिए था इस स्टोरी। वैसे जब मैं इंटरनेट के ऊपर ओटिस का फोटो ढूंढ रहा था तो मुझे ये फोटो मिला, मतलब ये कांड कब कर गए ओटिस। वैसे भाई मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था क्या होता अगर ओटिस का शादी अगर रियल लाइफ में अगर मैंडी रोज के साथ हो जाता। नेक्स्ट लोग बात करते हैं रोंडा रॉजी के बारे में, जिनके बारे में रिसेंट टाइम बहुत सारे मल्टीपल ऑफ रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहा है। कुछ रिपोर्ट का यह कहना है कि रोंडा रॉजी 100% डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर यूएफसी के अंदर जाने वाला, कुछ रिपोर्ट का यह कहना है कि रोंडा रॉजी नहीं जाने वाले, पर भाई ज्यादातर रिपोर्ट का यह कहना कि रोंडा रॉजी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर जाने ही वाले। अगर आपको नहीं पता तो रोंडा रॉजी यूएफसी के अंदर ब्रॉक लेसनर से ज्यादा एक सक्सेसफुल रेसलर थी वहां, और उन्होंने वहां पर बहुत सारे मल्टीपल ऑफ चैंपियंस बेल्ट भी जीते थे रोंडा रॉजी बहुत सारे। तो अगर रोंडा रॉजी यूएफसी के अंदर अगर जाना चाहती तो मेरे ख्याल से इनके लिए रास्ता बहुत आसान हो रहा है, पर मेरे ख्याल से लगता नहीं कि रोंडा रॉजी वहां पर जाएगी। उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन ये कि यूएफसी है रियल फाइट होता है और रोंडा रॉजी बहुत ज्यादा ओल्डर हो चुकी है, तो मुझे जो लगता है मेरे ख्याल से उस लेवल की एनर्जी के साथ रोंडा रॉजी वहां पर फाइट नहीं कर पाएगी। हाँ रिपोर्ट का यही कहना है कि रोंडा रॉजी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़कर 100% जाने वाले यूएफसी के अंदर। वैसे इनके बारे में रिसेंट टाइम एक बड़ा कमाल का न्यूज भी निकलकर सामने आ रहा था, 2012 के अंदर सिनेमा हॉल के अंदर कुछ लोग इनको छेड़ रहे हैं, फिर रोंडा रॉजी ने उन लड़कों को खुद से इतना ज्यादा बुरा मारा कि वो खुद ही पुलिस के पास चले, और लड़के लोग ही रोंडा रॉजी के अगेंस्ट कंप्लेन कर देते कि ये बहुत ज्यादा बुरा हम लोग को मारे। आप लोग समझ सकते हो पहले के टाइम पर रोंडा रॉजी एक रियल यूएफसी फाइटर थे, कितनी खतरनाक थी। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होने वाला रोंडा रॉजी के लिए इतना मतलब बेस्ट फाइट देना यूएफसी के अंदर जाकर। सिर्फ ब्रॉक ही रेसलर इकलौते ऐसे रेसलर जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी से जाने के बाद यूएफसी के अंदर जाकर चैंपियन भी बने, और उसके पीछे भी रीजन बहुत सिंपल सा था, ब्रॉक लेसनर बहुत यंग एज में गए थे, मेरे ख्याल से 30 या 32 साल के एज में गए थे यूएफसी के अंदर। तो भाई इसलिए मैं आपको बोलता हूँ ये कारनामा हर कोई नहीं कर सकता यूएफसी के अंदर। वैसे मैं आपको बताना भूल गया था 2K23 गेम के अंदर ब्रे वाइट का कितना रेटिंग है निकलकर सामने आ गया। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अंकल हॉडी का रेटिंग देख सकते हैं, 84 जो है अंकल हॉडी का रेटिंग है और 89 मेरे ख्याल से यहाँ पर ब्रे वाइट का रेटिंग। अगर आपको नहीं पता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के गेम के अंदर रोमर एज अभी तक के पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाला रेसलर, मेरे ख्याल से उनका रेटिंग 100 है, आई डोंट नो। हाँ सबसे ज्यादा रोमर रेंज का है, रोमर से ज्यादा आज तक किसी का रेटिंग नहीं आया। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, जिनके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इंटरनल जो लोग हैं बहुत ज्यादा कंसर्न कर रहे हैं रिसेंट टाइम में ऑस्टिन थ्योरी के। अगर आपको नहीं पता तो ऑस्टिन थ्योरी पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का फोर्थ सबसे लॉन्गेस्ट यूएस चैंपियन है। फोर्थ सबसे लॉन्गेस्ट यूएस चैंपियन होने के बावजूद भी ऑस्टिन थ्योरी को किस तरह से बुकिंग मिल रहा है आई थिंक आप लोग सारे लोग देख रहे हैं। देखो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम क्या कि ऑस्टिन थ्योरी का एक अच्छा बुकिंग नहीं मिल रहा, मतलब ऑडियंस बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं कर रही ऑस्टिन थ्योरी को। तो मेरे ख्याल से ऑस्टिन थ्योरी से सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चैंपियनशिप ले लेने वाली है वापस, उसके बाद फिर से इनको न्यू कैरेक्टर बिल्ड करेंगे, तो आपको शायद से फिर अगले साल एक न्यू ऑस्टिन थ्योरी आपको देखने को मिल सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। और अगर आपको नहीं पता तो करंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑस्टिन थ्योरी को छोड़कर एलेन नाइट और ग्रेसन वॉरर को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा स्टार बनाना चाहते हैं, तो आई होप फ्यूचर के अंदर ऑस्टिन थ्योरी के साथ काफी अच्छा हो। नेक्स्ट बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में, जो कि करंट टाइम में एनएक्सटी के अंदर, इनके बारे में रिसेंट टाइम बड़ा शॉकिंग बात शॉन माइकल ने बताया। शॉन माइकल रिसेंट टाइम में पॉडकास्ट के अंदर इस बात को खुद से बताया कि वो एक्चुअली मुस्तफा अली को काफी टाइम से एनएक्सटी के अंदर बुलाना चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले मुस्तफा अली को दे नहीं रही थी, पर फाइनली अब मुस्तफा अली का रिटर्न हो चुका है एनएक्सटी के। तो भाई आप लोग समझ सकते हो शॉन माइकल जैसे बड़े रेसलर काफी टाइम से नोटिस कर रहे थे मुस्तफा अली को, अपनी कंपनी के अंदर बुलाना चाहते थे। आई होप मैं तो यही होप करूँ कि अब मुस्तफा अली के साथ सारा चीज सही हो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं आज के अपने फाइनल न्यूज की तरफ, जो कि जुड़ा हमारे द फिंड ब्रे वाइट से रिलेटेड। ब्रे वाइट इस बार का समर स्लैम के अंदर आने वाले या फिर नहीं आने वाले, इनके बारे में कंफर्म रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुका, वो भी मल्टीपल ऑफ सोर्सेज की तरफ से। और भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रिंगसाइड न्यूज ने इस बात को कंफर्म किया, साथ ही बहुत सारे और भी रेसलिंग न्यूज चैनल ने इस बात को कंफर्म किया कि समर स्लैम के अंदर ब्रे वाइट नहीं आने वाले। मतलब ब्रे वाइट को कौन सा बीमारी धरा हुआ ये बात किसी को नहीं पता, करेंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा ब्रे वाइट के रिटर्न को लेकर। मुझे सच में समझ में नहीं आता, मैं बहुत ज्यादा बोलने नहीं वाला हूं, पर मुझे सच में समझ में नहीं आता डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले का क्या ड्रामा चल रहा है यहां पर। भाई मैं खुद ही कंफ्यूजन में हूं, अगर ब्रे वाइट नहीं आने वाले तो मेरे ख्याल से सिर्फ दो रेसलर बचता है जो कि रोमर्स को आकर कंफ्रंट कर सकते।
सकता है मनी इन द बैंक के अंदर। सबसे पहले रेसलर हमारे द वाइपर रैंडी ऑर्टन जिनका भी रिटर्न होना था, और सेकंड रेसलर हमारे बॉबी लेसली। मैं भूल गया था आपको तब बताना, पर बॉबी लेसली को भी डब्ल्यू वाले अभी तक रिटर्न नहीं करवाई, तो ये भी जाकर कन्फ्रंट कर सकते हैं रोमन रेंज। साथ ही साथ शायद आपको पता होगा जब से रोमन रेंज ट्राइबल चीफ बने अभी तक वो बॉबी लेसली को फेस भी नहीं किया। वैसे भाई मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होता, आई थिंक सारे लोग को पता ही, अब देखना होगा किसका रिटर्न एक्चुअली में होता है समरसलैम के अंदर। वैसे कल के स्मैकडाउन के ऊपर हमें ट्राइबल चीफ नहीं देखने को मिलने वाला, सोलो सिकोवा और पॉल हेमन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ कल के स्मैकडाउन के ऊपर उनको अकेले कन्फ्रंट करने वाले हमारे जेउस, तो कल का स्मैकडाउन काफी कमाल का होने वाला है। तो भाई सारे के सारे लोग चैनल को जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना स्मैकडाउन को, सबसे पहले रिव्यू हमारे चैनल के ऊपर पूरे यूट्यूब के ऊपर। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना भाई, सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं।